चांद जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला ये चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया कि अब हम केवल एक दुनिया तक सीमित नहीं है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और उसके बारे में जानकारी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चंद्रमा पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वो आने वाले समय में वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है? आखिर वो कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं उनका बड़ा ही सटीक अंदाज में जवाब तलाशते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चांद की उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं। आखिर पृथ्वी के पास चांद आया कहाँ से? समय था करीब आज से 4.50 अरब साल पहले। उस वक्त पृथ्वी को बने बहुत कम टाइम हुआ था। तब हमारी पृथ्वी के साथ ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को तबाह करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और इसी तेज रफ्तार से थिया नाम का उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इसी पिंड की टक्कर की वजह से हल्के पदार्थ से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होकर इन्होंने एक पिंड का निर्माण किया और वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 3,474 किलोमीटर है और ये सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना में चांद का आकार 27% यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर 9 चांद आराम से समा सकते हैं। अब आ जाते हैं पृथ्वी की जमीन पर। जब आप चंद्रमा की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको चांद की जमीन पर ऊबड़ खाबड़ दिखेगी और चंडी की जमीन काफी गर्दों से दबी पड़ी दिखेगी। तो दोस्तों, चांद की जमीन को सबसे पहले 1959 में टच किया गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 ने पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र चांद की जमीन पर उतारा था। इनके बाद अमेरिका अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसने एस्ट्रोनॉट समेत स्पेसक्राफ्ट में चांद की जमीन पर कदम रखा। उस वक्त तारीख थी 20 जुलाई 1969। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशन को अंजाम दिया गया। दिसंबर 1972 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपनी कक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी। लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनी रही, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो वो अपनी जगह से टक से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। अगर चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा, पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो रह जाएगा। इसी वजह से नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चले गए थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हवा न होने की वजह से वो निशान मिट नहीं पाए। इसके साथ ही चांद के जमीन पर कई सारे बैग्स पड़े हैं जो चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनके मलमूत्र और उल्टियां हैं। जब अंतरिक्ष एजेंसियों के यान चांद की जमीन पर उतरकर वापस पृथ्वी पर आए थे तो वो अपने साथ चांद की जमीन का कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे जो वजन में 382 किलो तक भारी थे, ताकि भविष्य में उन पर शोध करके चांद के बारे में और ज्यादा गहराई से जान सके। अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने कक्ष पर एक चक्कर लेने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक ही भाग दिखता है और दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है, रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद की अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात को तो वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य वहाँ पर शायद उस हालत में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रात होते ही ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है और उस वक्त गुजरते समय के साथ ही गिरता जाता है और बर्फ जमने लगती है।
और यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ इस जगह को रहने के लिए और भयानक बना देती है। और इसी के चलते अभी तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए काफी हैरान करने वाली बात होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी सूरज हमें रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा, लेकिन अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर तो हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुक जाती है। इस वजह से दो बातें होती है, एक ये कि चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलती, और दूसरी बात ये है कि चांद के ध्रुवों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी या किरणें नहीं पहुंच पाती। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की ना मौजूदगी होने पर वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वायु और उल्कापिंड जैसे खतरे का डर ज्यादा बना रहता है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है आसमान, लेकिन चंद्रमा से देखने पर ऐसा नहीं है। वहाँ से आसमान हमें ब्लैक दिखाई देता है। पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर चंद्रमा गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच में होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, चांद पर पानी को भारत ने खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद पर पानी है, लेकिन किसी ने नहीं माना। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये अटक अटक कर चल रहा है, तो आप चांद पर जा सकते हैं क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी है, जो कि 19 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। पृथ्वी से गोल दिखने वाला ये चांद असल में गोल नहीं है बल्कि अंडाकार है। चांद हमारी धरती से हर साल 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जाता है। इसका पता तब चला जब चांद पर 18 इंच की परावर्तक चादर लगाई गई, जिस पर लेजर पड़कर आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने ये नतीजा निकल कर आया। इस तरह 5 अरब साल बाद चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं होते हैं बल्कि गड्ढे हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाने की वजह से वो धब्बे की तरह नजर आते हैं। क्या हम इंसान एक बार फिर चांद की धरती पर कदम रख पाएंगे? इस बात का जवाब मुझे हाँ में देने का कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। 1950 के दशक में किसने सोचा था कि हम 20 सालों के अंदर ही चांद पर कदम रखेंगे। वैज्ञानिकों के नजरिए से देखा जाए तो चांद बड़ा ही मनमोहक और दिलचस्प है। वैसे तो हमें पक्के तौर पर पता है कि अरबों साल पहले हुई कुदरती उथल पुथल से धरती से जो चट्टाने जो टुकड़े निकले उन्हीं से चांद बना है। इस बात में बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है कि चांद पर जाना काफी खर्चीला है। अनुमानित लागत लगभग $35 अरब है। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंसान वहाँ जाने के बाद वही मौजूद संसाधनों का प्रयोग करने लगेगा, तो लंबे समय में पैसे की बचत भी होगी। हमें इस बात का पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है और चट्टानों में ऑक्सीजन है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी की जा सकती है, लेकिन इस बात की पक्की पुष्टि के साथ नहीं कहा जा सकता। चांद पर जाने की ऐसी वजह है, वहाँ हीलियम से बड़ी सस्ती ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। इसके साथ ही पर्यटन की संभावनाएं तो है ही। सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच अरबों उल्कापिंड घूम रहे हैं। कई ESI चट्टाने चक्कर लगा रही है जिनका आकार फुटबॉल के बराबर है और इससे कई गुना बड़ा भी है। इनमें से ज्यादा सी चट्टानों में पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह की मूल्यवान धातुएं भी हैं। उल्कापिंड से काम की चीजें कैसे निकाली जाए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी इस पर अध्ययन कर रहा है। एक विचार ये है कि इस सामग्री का इस्तेमाल कम लागत पर अंतरिक्ष में किसी तरह का ढांचा खड़ा करने में किया जा सकता है। ये काम खर्चीला है लेकिन लंबे समय में फायदे की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, बस्तियां बसाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? अंतरिक्ष अन्वेषण की पहल की लगभग 60 वर्ष के इतिहास में इसका जवाब स्वाभाविक है कि हमारे पास संचार के साधन हैं। हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को समझ सकते हैं। हम हैंड पर पहले ही 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे ज्यादा 3 दिन चांद पर रहा। जहाँ 3.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन है जहाँ इमारतें बनाई जा सकती है, असंभव नाम की चीज मनुष्य के लिए
खास तौर पर वैज्ञानिकों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, चांद पर जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं है, जिसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा का तापमान रात में ज्यादा गिर जाता है और दिन में काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही वायुमंडल का ना होने की वजह से दबाव और कम होने लगता है और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरण भी बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है और आगे भी कई अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर शोध कर रही हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।